प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग उदर चिकित्सा का पांचवा छठवा सातवां आठवां नंबर का श्लोक से शुरू करते हैं। कल ये पढ़े थे लेकिन एक बार फिर से इसको पढ़ना है, इसका टीका भी पढ़ना है और इस पर चर्चा भी करनी है। सबसे पहले कौन पढ़ना चाहेगा? सर हैं तो आप जी, मेरे जी सर फिफ्थ नंबर का पढ़ना है सर, पांचवा नंबर का। सुधा आड़क साधितम नागारधिपलम प्रस्थम कृत तैलाताड़कम मस्तु साहित्य अपि वेत्स उदरापहम कफम हितम चतुर्गुणे जले मूत्रे द्विगुणे चित्रका चित्रकात पले। जी वे जी सेड भी प्रणाम सर। सातवां आठवां भी पढ़ दीजिए। अभी पढ़ दो, ठीक है वे जी। हम और ये बोल बोल हां वच मूलस चामसा श्रस्तो काव्य सिद्धवा जल चार जी, आप लोगों में से किसी को सुनाई दिया क्या? मतलब मुझे तो नहीं सुनाई दिया। इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए प्लीज कोई। सर वो शायद नेटवर्क का इशू है सर क्या? हाँ आप पढ़ दीजिए। मैं पढ़ देती हूँ सर। सौंठ तीन पल घी और तेल एक प्रस्थ मस्तु एक आढ़क लेकर इस इनसे स्नेह सिद्ध करें। यह सब उदरों को नष्ट करता है, कफ और वायु से उत्पन्न गुल्म में अतिशय हितकारी है। घी एक प्रस्थ जल चार प्रस्थ गोमूत्र दो प्रस्थ लेकर इसमें चित्रक का कल्प दो पल मिलाकर घृत सिद्ध करें। खाली चित्रक से ही घृत सिद्ध वैसा ही होते हैं। इस घृत में फिर यवक्षार मिलाएं और उधर रोगी खाए। जौ बेर कुलथी और बृहद पंचमूल के क्वाथ में सुरा और कांजी मिलाकर घृत सिद्ध करके पिलाएं। हाँ अब देखिए इसमें उदर व्याधि है,
उदर व्याधि में अग्निमंद है, स्त्रोतस अवरुद्ध है, मल संचिति है, तो इसमें सारे द्रव्य ऐसे होने चाहिए जो दीपन और पाचन करे और पेट भी साफ करे, अनुलोमन करे। तो इसलिए शुंठी तीन पल दीपन पाचन है, घृत तेल एक प्रस्थ क्योंकि ये स्नेहन करते जाएगा, और मस्तु जो है वो सारक रहता है, अग्नि को भी दीप्त करता है। ये आढ़क लेकर स्नेह सिद्ध करना है, इसको लेना है तो इससे उदरों को नष्ट करता है। कफ और वायु से उत्पन्न गुल्म में अतिशय हितकारी है, ऐसा बताया इन्होंने। कफ शामक भी होना चाहिए, वायु शामक भी होना चाहिए और अनुलोमन भी करना चाहिए, मल संचित को भी दूर करना चाहिए। उसी तरह से घृत एक प्रस्थ लेना है, जल चार प्रस्थ, एक प्रस्थ मतलब अप्रोक्सीमेटली 750 ml, गोमूत्र दो प्रस्थ। गोमूत्र इसलिए है कि दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि, विरेचन ये करता है और ये क्षार भी रहता है, चित्र के दीपन पाचन करता है। इसमें यवक्षार मिला के, यवक्षार तो और अच्छे से क्लिंजिंग करता है इसलिए डाला है। और जौ बेर कुल्थी और बृहद पंचमल के क्वाथ में, पहले ये क्वाथ बनाना है, जौ बेर कुल्थी और बृहद पंचमल, ये पूरा रुक्षता लाता है, कफ का शमन करता है। सूरा और कांजी में मिलाकर घृत सिद्ध करके पिलाना है, कितना बढ़िया बताया। इसका हम टीका पढ़ते हैं, आप मैम पढ़ेंगी, मोनिका मैम टीका पढ़िए। शुंठिया पलत्रय। जी सर। शुंठिया पलत्रय प्रस्थ घृत तैलाप मस्तुन आढ़क। हाँ, इसका मतलब कि शुंठी जो है तीन पल लेना है, एक प्रस्थ घृत और तेल लेना है, मस्तु एक आढ़क लेना है। एक मिनट इस सेट करते हैं। आढ़क में तो साधयित्वा, ये पढ़िए, आपको दिख रहा है इस साइड मोनिका मैम? शायद नहीं सुनाई दे रहा है। आढ़क में तो साधयित्वा सर्वोदरापह पिबेद, ये सभी तरह के उदर में बहुत अच्छा काम करता है। और कफ मारुतो थे च गुल में सुष्टु हित में तत्, कफ और वायु के जो गुल्म है उसी तरह से उदर में भी ये बहुत ज्यादा हितकारी रहता है। फिर चतुर्गुणे जले मूत्रे द्विगुणे चित्रकात पले कलके सिद्धम घृत प्रस्थम सारम जठरी पिबेद, मतलब इसमें घी लेना है एक प्रस्थ और चार गुना पानी लेना है, गोमूत्र दो गुना लेना है और चित्रक एक पल लेना है, उसका कल्क लेना है और यवक्षार लेना है, इसको सिद्ध करना है और ये उदर रोगी को पिलाना है। उसी तरह से यवकोल कुलत्था नाम पंचमूल से चाम्बसा सुरा सौवीर काभ्यम से सिद्धम व पाय धृतम, मतलब है कि यवादिक वाथेन, यव है, कोल है, कुलत्थ है, पंचमूल है, बृहद पंचमूल, इसको पानी में सिद्ध करना है और सुरा और कांजी में भी सिद्ध करना है और इसका घृत बनाना है और ये पीना है। इससे बहुत अच्छे से विरेचन होता है, दीपन पाचन होता है, इसलिए इसका प्रयोग करने के लिए बोला है। आगे का श्लोक पढ़ेंगे। घृत पान के बाद विरेचन, पहले स्नेहन कर लिया है, वो सारक भी है, थोड़ा स्नेहन भी हो जाएगा, उसके बाद विरेचन करने के लिए। 9th नंबर का श्लोक आदित्य सर आप पढ़ना चाहेंगे या मुनीश मैम आप पढ़ना चाहेंगे? ए भी स्निग्वाय सजाते बले शांते च मारुते स्नेस्ते दोषाश्य त्रस्ते, त्रस्ते आधा स आधा त्र, त्रस्ते त्रस्ते दोषाश्य विद्या तक कल्प पदष्टम विरेचनम, कल्प दृष्टम विरेचनम, कल्प दृष्टम विरेचनम, और ऊपर ए भी स्निग्धाय संजाते, यह है संजाते, एक बार फिर से पढ़िए। ए भी स्निग्धाय संजाते बले शांते च मारुते सस्त्रस्ते दोषाश्ये इन स्नेहों शुद्ध उच्चारण किया ना तो बहुत मजा आता है। जी पढ़िए। इन स्नेहों से स्निग्ध पुरुष में बल आ जाने पर और वायु को शांत हो जाने पर दोष के स्थान को शिथिल हो जाने पर कल्प स्थान में कहा विरेचन देवे। हाँ, इसमें क्या है कि स्नेहन कर लिया, पूरे बॉडी में घी गया है ना तो बॉडी स्निग्ध हो जाता है, लुब्रिकेट हो जाता है, और वो स्नेह जो है घी तेल ये क्या करता है बल देता है, ताकत देता है,
और ये वायु का शमन करता है, वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है, उसके अपोजिट स्निग्ध गुण मिलता है, तो ये वायु शांत हो जाता है। दोष जो होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं, जो चिपके चिपके दोष थे, सब इंटेस्टाइन में पूरा ऐसे स्टूल चिपका हुआ था, जब घी खाते हैं तो वो बॉडी छोड़ देता है वो सारे कचरा को, तो उससे शिथिल हो जाता है। उसके बाद में कल्प स्थान में जो बताया हुआ है, सारे द्रव्य जो विरेचन के लिए दंती है, त्रिविरत है, और भी जो भी द्रव्य है, वह सब उनमें से एक लेके और विरेचन देना है, लूज मोशन कराना है, तो सारा कचरा बॉडी का निकल जाता है। सर आदित्य सर आपको समझा मैंने जो बताया, हाँ सिंपल सर, आंसर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा समझ में आया। जी। इसका टीका पढ़िए सर आप, 9th नंबर का ही। ए भी स्नेह है, हाँ स्निग्धाय नराय बले च संजाते सति, पवने च शांते स्त्रस्ते स्त्रस्ते दोषाश्ये सति कल्पोक्त विरेचन दद्यात्। हाँ बहुत बढ़िया, कितना एकदम क्लियर क्लियर शुद्ध उच्चारण किया आपने। इसमें बोल रहे हैं कि ए भी स्निग्धे, ए भी स्नेहे स्निग्धाय, जो भी स्नेह ऊपर बोले हैं उसको स्नेहवन कराया, तो इंसान जो नराय स्निग्धाय, ये जो मनुष्य है वो स्निग्ध हो जाता है अंदर से। बल्ले च संजाते, उसको बल भी प्राप्त हो जाता है। सती पवने च, उसको वायु का भी शमन शरीर में हो जाता है। पवने च शांते, फिर त्रस्ते दोषाशय सती, मतलब जो दोष जो है आशय में जो लूज हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे घी का सेवन किया गया है, वायु का शमन हो गया है, रुक्षता कम हो गई है, स्निग्धता के वजह से सारा कचरा जो है वो शरीर छोड़ देता है। फिर कल्पोक्त, कल्प स्थान में जो उक्त, उक्त मतलब कहा हुआ, विरेचन के द्रव्य देना है, विरेचन हम देते हैं, तो उससे पूरी तरह से दोष निकल जाते हैं। बहुत ही सिंपल है ये सब टीका पढ़ना। हाँ अभी 10th नंबर का उदर, उदर रोग नाशक चूर्ण, 10, 11, 12 कौन पढ़ना चाहिए? संथा देके प्लीज, कोई अश्विनी मैम संथा देके पढ़िए, वर्षा मैम, मंदाकिनी मैम, वंदना मैम, जी पढ़िए। पटोलम मूलम त्रिफलाम निशाम वेल्लम च पटोलम त्रिफलाम निशाम वेल्लम च काशिकाम कम वेल्लम च कम काशिकम कम कंपिल्ला नीलिनी कुंभ कुंभागान भागान द्वित्रिव त्रिवुत त्रिवुत चतुर्गुणान चतुर्गुणान द्वि द्वि चतुर्गुणान द्वि भागान विभेद संचूर्ण मूत्रेण विभेद पेया पूर्वे ततो रसैहि पूर्वम है, पूर्वम जी ततो रसैहि विरिक्तो जांगलैरद्यात् षड दिवसं पयः श्रुतं पिबेद्योषयुक्तम् पीतमेवं पुनः पुनः हन्ति सूर्वो सर्वोदराणेत चूर्णे चूर्णम नहीं है, चूर्णम है, चूर्णम। अच्छा दातोदकान्यपि जातोदकान्यपि इसका हिंदी में पढ़िए, ये ना प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, चूर्णम है, चूर्णम। अभी आप संस्कृत वाले में देखिएगा चूर्णम है। चलिए आप ये हिंदी वाला पढ़िए मैम, अश्विनी मैम। यस सर। पटोल बूल त्रिफला हल्दी वायविडंग प्रत्येक कर्ष कमीला नीलिनी दंती मूल क्रमशः 2, 3 और 4 भाग लेकर इनका चूर्ण करे। इस चूर्ण को गोमूत्र से पिए, विरेचन होने के उपरांत पीछे से पेया पिए, इसके पीछे जांगल मांस रस के साथ चावल खाए, फिर पकाए हुए दूध को त्रिकटू के साथ 6 दिन तक पिए। इस प्रकार बार बार यह विधि दोहराने पर दूध पीने से यह चूर्ण सब उदरों को तथा जल भरे उदर रोग को भी नष्ट कर देता है। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इसमें देखिए ऐसे द्रव्य जो हैं जो एंटी इंफ्लेमेटरी भी हैं, और ऐसे द्रव्य हैं जो दीपन पाचन भी करते हैं,
और कहीं ना कहीं विरेचन में, विरेचन के बाद जो भी पैथोलॉजी है उसको ठीक करते हैं। तो जैसे पटोल मूल है, त्रिफला, हल्दी, वायुविडंग, ये सब एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। जो भी इन्फ्लेमेशन अगर हुआ है तो प्रत्येक एक एक कर्ष लेना है। दीपन पाचन भी करते हैं। और कंपिलक, कमिला, नलिनी, दंती मूल, ये तो विरेचन के मेन द्रव्य हैं। ये दो तीन चार भाग में लेके इनका चूर्ण करना है। इस चूर्ण को गोमूत्र के साथ पीना है। तो मूत्रम च दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि, तो इसलिए गोमूत्र पीने से विरेचन होता है। और विरेचन होने के बाद पीछे से पेया पीना, क्योंकि अच्छे से शरीर की शुद्धि हो गई है। अब संसर्जन क्रम के जैसे ही अग्नि को बढ़ाना है यहाँ पे, क्योंकि दोष शुद्धि हो गई तो इसलिए पेया दिया है। फिर इसके बाद जांगल मास रस के साथ चावल खाना है। भूख लगने लगी है, अग्नि प्रदीप्त हो गया। जो लोग मास रस नहीं ले सकते हैं वो लोग युष कल्पना दाल का पानी पी सकते हैं। तो जांगल मास रस के साथ चावल को खाना है। फिर पकाए हुआ दूध को त्रिकटू के साथ लेना है, मतलब त्रिकटू सिद्ध, शुंठ मरीच पिपली के साथ जो दूध सिद्ध किया जाता है उसको 6 दिन तक पीना है। तो दूध जो है वो बल प्रदान करता है। और उदर रोगों में बोला ही है कि दूध पीना है। और ये शुंठी मरीच पिपली है, ये अग्नि को प्रदीप्त करता है। क्या? क्योंकि यहाँ पे हमने बॉडी को क्लीन किया। बॉडी को क्लीन करने के बाद हम वहां पे बल बढ़ा रहे हैं। पहले पेया दिया, फिर जांगल मास रस और चावल दिया, और फिर दूध दिया। इस प्रकार यह बार बार यह विधि दोहराने पे दूध पीने से यह चूर्ण सभी उदरों को और जल भरे उदर रोग को भी नष्ट कर देता है। एक ही दिन सारा पानी नहीं निकालना है, हमें रुक रुक के थोड़ा थोड़ा निकालना है। अग्नि को प्रदीप्त करना है, फिर शरीर को शुद्ध करना है। फिर इस तरह से अगर करें तो ये बहुत अच्छा फायदा करते हैं। वैद्य जी, ये कितने अंतराल पे करेंगे? मतलब जैसे कि मंडपिया लेपी करके हमने संसर्जन कर्म कर दिया, फिर नॉर्मल डाइट पर आ गया पेशेंट, फिर थोड़ा वेट करे 15-20 दिन, फिर दोबारा से करे, नहीं, ये या तो ये बोल रहे बोलते हैं बार कितने बार करना महीने में है। एक बार? हाँ, बार बार करना है, ऐसा कौन सा कंडीशन है कि उसका अग्नि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसके हिसाब से। नहीं, जैसे नॉर्मल डाइट पर आ गया पेशेंट, उसके फिर कितने दिन के बाद वो करना है दोबारा से अगर चूर्ण वो देना? चावल और जांगल मास रस खा रहे हैं और वो दूध पी रहे, पानी पी रहे, सब पी रहे, और उसका अग्नि प्रदीप्त नहीं हुआ है और शरीर में फिर से, अब ये उदर रोगी जो होते हैं ना, वो एक दिन में गोमूत्र पीने से नहीं होगा, उसको कंटिन्यू रुक रुक के रुक रुक के। तो हम ऐसे टाइम कैसे बताएं कि कितने दिन में, और रोज करना है तो रोज कर सकते हैं कि नहीं रोज सर, सुबह, रोज कैसे रोज करेंगे तो बलहीन पेशेंट हो जाएगा रोज। बलहीन होगा, नहीं होगा। नित्य मेनम विरेचे ऐसे बोला है, नित्य विरेचन बोला है। और इसमें कोई इच्छा विधि जैसे द्रव्य नहीं है, गोमूत्र है, एक बार पियेंगे अच्छे से सुख पूर्वक विरेचन होता है, तो या ये फिर पूरे दो एक दो दिन दिन। का उन्होंने बताया है ना वैद्य जी, हाँ, कि दो सुबह दिन में भी कर विरेचन हुआ सकते हैं फिर या रात। डेली भी कर सकते हैं। नित्य मेनम विरेचेत ऐसे पहले ही सूत्र बता दिया इन्होंने। अच्छा तो ठीक है, सुबह अगर इन्होंने ये गोमूत्र और ये सब दवाई लेके अच्छे से विरेचन कर लिया, फिर भूख लगी तो पेय खाए लिए, दोपहर में जांगल मास रस और चावल खाए, शाम को दूध पी लिए, उसके बाद नेक्स्ट डे और थोड़ा फिर से विरेचन करें, ऐसे नित्य मेनम विरेचेत ऐसे बोला है। जी एक दिन में दोष नहीं निकलते, एक दिन में अग्नि प्रदीप्त नहीं होती, क्योंकि इसकी संप्राप्ति होने में कितने साल लग जाते हैं, तब जलोदर होता है जी। और ऐसे भी कंडीशन देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कब क्या करना है। अगर बलहीन है तो उसको हम दूध पे ही रखेंगे, विरेचन बाद में देंगे जी। अभी इसका टीका पढ़ना है, अश्विनी मैम आप पढ़ेंगी। जी सर, आप देखिए इसमें चूर्णम चूर्णम है, इसमें चूर्णे नहीं है, चूर्णम है। हंति सर्वोदरान लास्ट लाइन देखिए, चूर्णम, ठीक है। आप ये पढ़िए मैम, पटोल मूल इस आदि कार्षिक। पटोलमूलादि कार्षिक कम्पिल्लादीना भागान क्रमेण द्वि त्रि चतुर्गुणान संचूर्ण्य गोमूत्रेण पिबेत्। अनंतर विरिक्त सन् पेया भुक्त्वा जांगल मांस रसै शाल्यादिकं दद्यात्। तत अनंतरं 6 दिवसानि क्वथित क्षीर त्रिकटु युक्त पिबेत् एव पुनः पुनरेतत् पीत सर्वोदराणि जात सलिलान्यपि हन्ति। हाँ देखिए, आप मैम जो बोली ना उसका उत्तर यहाँ पे मिल गया ना। 6 दिवसम पयः, 6 दिन तक ये दूध पीना है और फिर विरेचन करना है, ऐसा इन्होंने बताया। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि पटोल मूल आदि लेना है एक एक कर्ष तक, और कंपिलक आदि लेना है। कंपिलक मतलब कंपिलक और वो दंती, ये सब विरेचन वाले द्रव्य,
और ये दीपन पाचन वाले पटोल मुलादी वगैरह, और क्रम से कंपिलक आदि ये जो है ये दो तीन चार गुण इतना लेना है और गोमूत्र के साथ इसको पीना है ये चून को। उसके बाद में विरेचन होने के बाद पेय लेना है, जांगल मास्रस और अन्न चावल को खाना है, शाल्यादिक और मध्य का सेवन करना है। उसके बाद में छह दिन तक ये दूध और त्रिकटु युक्त जो शीर पाक है वह पीना है, एवं पुनः पुनः रेत पीत सर्वोद्राणी, बार बार ये चीज पीना है। और ये जो जात सलिल मतलब पानी जो है अगर वो पिएंगे तो जलोदर का जो जल है वो नष्ट होते जाते हैं, तो छह छह दिन तक ये कर सकते हैं अवस्था के हिसाब से इन्होंने बताया। सर ये कोट कैसे करते हैं, जैसे अगर ये श्लोक निकालना है मतलब तो किस तरह से कोट करेंगे या किसी वैद्य से डिस्कस करना है कि नहीं? सर हम लोग कौन है? नहीं नहीं मतलब जैसे कोटिंग, जैसे श्लोक होता है ना अष्टांग हृदय, ये वाला चैप्टर, ये वाला श्लोक, इस तरीके से जैसे तो ये अध्याय का नंबर क्या है? ये अध्याय शायद 14th है, 15th है, 15th चैप्टर का अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान, 15वां चैप्टर का 10वां 11वां 12वां नंबर का श्लोक। हाँ ये वाला 13 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? पढ़िए प्लीज, कौन पढ़ेगा? वर्षा मैम, मंदाकिनी मैम, मुनीश मैम, विनीता मैम, कोई पढ़िए। हमने नहीं पढ़ा। पढ़िए पढ़िए, कौन पढ़ रहा था? गवादीम शंखिनीम, गवाक्षिम, गवाक्षिम शंखिनीम दंतीम तिलवकस्य त्वचम वचाम पिबेत कर्कंधुमृद्वि काकोल अंबो मूत्र सीधुभि। जी पढ़िए, लंबा है सर। इंद्रायण शंखिनी दंती तिलवक की छाल वच इनके चूर्ण की झाड़ी के बेर बेर द्राक्षा बेर इनके क्वाथ से या मूत्र से अथवा सीधू से पिए। हाँ अब ये सारे द्रव्य जो है वो विरेचन करने वाले द्रव्य हैं। इंद्रायण मूल जो है वो विरेचन करता है, यकृत को भी शुद्ध करता है, पूरा शरीर को भी शुद्ध करता है। शंखिनी, शंखिनी भी विरेचन का कल्प में आता है, कल्प स्थान में बताया। दंती भी विरेचन करता है, तिलवक भी है वह भी विरेचन करने वाला है, वचा है वो तो ये है विरेचन भी करता है, उष्ण तीक्ष्ण भी है वहां पे। तो इनका चूर्ण को झाड़ी का बेर मतलब जो झाड़ी में बेर आता है वो द्राक्षा और नॉर्मल बेर इनका क्वाथ बनाना है, या फिर मूत्र गोमूत्र के साथ या सिद्धू से पीना है। सिद्धू एक मध्य कल्पना का भाग होता है, उसके साथ पीना है। हाँ अभी इसका टीका पढ़ते हैं, एक ही लाइन है फिर हम रुकेंगे। सर आदित्य सर आप पढ़िए। गवाक्ष्यादिक गवाक्ष्यादिक चूर्णम कर्कन ध्वा कर्कन ध्वा दि जलम मूत्र सीध सीध वन्य तमेन पिबेत। हाँ इसमें गवाक्षी आदि का जो चूर्ण है, गवाक्षी शंकिनी दंती तिलवक त्वचा बचा ये सबको लेना है, और कर्कंधवादी जल साधित मतलब कर्कंधु मतलब जो जंग झाड़ी में जो बेर होते हैं वो लेना है, मृदुका मतलब किशमिश, कोल मतलब बेर, इनको गोमूत्र के साथ या सिद्धू के साथ पीना है, ऐसा बताए। अभी कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए, कौन करेगा? अभी हम रुकेंगे, कौन प्रेयर करेगा? वंदना मैम, मोनिका मैम, आदित्य सर, कोई भगवान का प्रेयर करिए। दुर्गा जी के नाम पढ़ देते हैं जी। वैद्य जी हाँ जी पढ़िए मैम, दुर्गा जी के नाम पढ़ देते जी। दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्म निवारिणी दुर्गमिच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गोत्तारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दावानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गम आत्मस्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थानम दुर्गम ध्यान भाषिनी दुर्गमोहा दुर्गमा दुर्गम मार्ग स्वरूपिणी दुर्गमा सुरहंत्री दुर्गमा युद्धारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गमा।
ये 32 नाम है दुर्ग धारणी के साथ, जो मनुष्य इन नामों को पाठ करता है वो सब प्रकार से भय से मुक्त होता है। वंदना मैम, आज का सेशन आपको कैसा लगा? ये शुद्ध उच्चारण वाला सब आज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। और उच्चारण के साथ साथ वह जी बहुत सारे अनफोल्ड हो रहे हैं, जो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग सिरोसिस ऑफ लिवर, एसाइटिस में बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं, और हम लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे वो है रेमेडीज जो कि अनफोल्ड नहीं होते क्योंकि हम लोग ये पढ़ते नहीं है ग्रंथ, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। और सारे लोग मिलके पढ़ रहे हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस के लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हैं इस तरफ, तो बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है आगे चल के। भीड़ कम होने वाली है, जो कलयुग में भीड़ हो रही है अस्पतालों में, वो भीड़ कम हो जाएगी आगे आने वाले समय में। और आदित्य सर तो डिस्कस करने वाले हैं वैद्य लोगों से ये जो चीजें हैं, है ना आदित्य सर, आपने कहा ना सर, ये चित्रक गृह हरितकी गृह कहाँ मिलता है सर, इतना सिंपल आप खुद बना सकते हैं सर, कितना इजीली बना सकते हैं आप जी सर, सारे चीजें बना सकते हैं। वो बनाना है तो आप मंदाकिनी मैम को पूछिए, वो बता देंगे आपको जी सर। हाँ ठीक है, तो अभी हम मुझे सेशन तो इनको भेषज रत्नावली या कुछ ऐसी पुस्तक ले लेनी चाहिए, वो तो है इनके पास, इनको प्रैक्टिकल दिखाना है जो भी लोग सिद्ध करते हैं जी। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, शाम को मिलेंगे, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।